आज के समय में इस पूरी पृथ्वी पर हम मानव जाति का ही राज्य है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज के समय में मनुष्य ही है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस पूरी पृथ्वी पर विशाल आकार के बहुत ही खूंखार जानवर डायनासोर का राज हुआ करता था। हमेशा से ही इस पृथ्वी पर हम मनुष्य जाति का साम्राज्य नहीं था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस धरती से डायनासोर का अंत हुआ और कैसे हम आदमी इस धरती पर अपना साम्राज्य चलाने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज से लगभग 24 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोर धरती पर आए थे। ये बहुत ही बड़े आकार के खूंखार जानवर थे। ये जानवर धरती पर रेंग कर चलने वाले जीवों के ही वंशज थे। इस जानवर ने हमारी पृथ्वी पर लगभग 18,000 करोड़ सालों तक राज किया है। है ना हैरानी की बात। उस समय यह जानवर इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी और जीव या प्राणी नहीं था जो इस खूंखार जानवर के सामने टिक पाता। फिर एक दिन पृथ्वी पर ऐसी घटना हुई जिसने पृथ्वी से इन खूंखार जानवरों का नामो निशान मिटा दिया। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की ये घटना है जब धरती से डायनासोर का भयानक अंत हुआ। उस समय हमारी पृथ्वी का वातावरण काफ़ी शुद्ध और साफ था। उस समय बहुत हरियाली और घने जंगल थे और इन घने जंगलों में ही ये डायनासोर रहते थे। एक दिन ब्रह्मांड से एक एस्ट्रोराइड 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। डायनासोर इस खतरे से पूरी तरह अनजान थे। ये एस्ट्रोराइड चंद्रमा के बिल्कुल नज़दीक से गुजरता हुआ धरती के ग्रेविटेशन एरिया में पहुंच गया। धरती के ग्रेविटेशनल एरिया में पहुंचते ही इस एस्ट्रोराइड की रफ्तार लगभग 2 गुनी हो गई। इतनी तेज़ गति से आता हुआ ये एस्ट्रोराइड धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, जहां पहुंचते ही रासायनिक क्रिया की वजह से ये आग के गोले का रूप धारण कर गया। इस आग के गोले की चमक इतनी तेज़ थी कि इसे 800 किलोमीटर दूर से देखने पर भी डायनासोर जानवर एक पल में ही अंधे हो गए और अगले ही पल ये एस्ट्रोराइड धरती से टकरा गया, जिस वजह से एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये टक्कर इतनी भयानक और तेज़ गति की थी कि धरती के नीचे स्थित लाखों मैट्रिक टन धातु खनिज उछलकर अंतरिक्ष में जा पहुंचे। जिस जगह पर ये टक्कर हुई वहां पर लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस बड़े से गड्ढे से ही पृथ्वी और एस्ट्रोराइड की टक्कर की भयानकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस विस्फोट की वजह से इसके 800 किलोमीटर दायरे के अंदर आने वाले जीव पल भर में ही जलकर राख हो गए और उस समय इस विस्फोट की वजह से पृथ्वी का तापमान लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और जो जानवर विस्फोट की जगह से 800 किलोमीटर के दायरे से दूर थे वो भी इतने टेम्परेचर में जलकर मर गए। इसी विस्फोट से हुई हलचल की वजह से धरती पर भूकंप और सुनामी भी बहुत तेज़ गति से आए, जिस वजह से बचे खुचे डायनासोर भी मर गए। उस समय भी कुछ उड़ने वाले डायनासोर और कुछ और जीव भी थे जिनकी मौत की वजह बने ये धातु जो उड़कर अंतरिक्ष में गए थे। ये कुछ ही देर में आग के गोलों का रूप ले वापस धरती पर बरसने लगे। ये ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो पृथ्वी पर आग के गोलों की बारिश हो रही हो और इनकी वजह से उड़ने वाले जीव और डायनासोर भी बच नहीं पाए। और इस सब के कारण विशाल आकार के धुएं की आंधी 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगी। धूल के ये बादल पूरे आसमान में मौत का तांडव करते नाच रहे थे। इस वजह से सूरज की रोशनी भी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। ये हालात कई सालों तक ऐसे ही रहे। सूरज की रोशनी धरती पर ना पहुंचने की वजह से पृथ्वी से सभी पेड़ पौधे समाप्त हो गए। उस समय के इस महाविनाश में पृथ्वी से लगभग सभी जीव समाप्त हो गए। लगभग 75% के करीब जीव जातियां समाप्त हो चुकी थी और सिर्फ कुछ गिने चुने पानी में रहने वाले जीव ही जिंदा बचे थे, जिसमें पानी में रहने वाले मैमन,
चूहे जैसे दिखने वाली थी जो जिंदा बची थी, और असल में यही मैमन है जो हम मानवों की असल वंशज है। मैमन से विकसित होकर बंदर बना और धीरे धीरे हम मानव होन में आए। इस तरह से धरती से डायनासोर्स का अंत हुआ और उसके लाखों सालों बाद मैमन से विकसित होते हुए हम इंसानों के अस्तित्व की उत्पत्ति हुई। ये मैमन अपने आप को धरती की गर्मी से बचाने के लिए मिट्टी के बिल खोदकर उसमें रहती और जो भी थोड़ा बहुत मिलता वो खाते, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ये मैमन भी पृथ्वी के साथ साथ विकसित होते चले गए। इस घटना के लाखों सालों बाद धीरे धीरे हमारी पृथ्वी भी विकसित होने लगी और इस नई दुनिया में डायनासोर जैसे खतरनाक और खूंखार जानवर का नामो निशान भी नहीं था। धीरे धीरे ये मैमन अब आकार में बड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी ये आज के मानव से बहुत दूर थे। आज से लगभग 4,70,00,000 साल पहले धरती का वातावरण शांत हो चुका था और नया जीवन धीरे धीरे वनस्पति के रूप में भी पनपने लगा था। उस समय पृथ्वी का तापमान भी सामान्य होने लगा और सभी ग्लेशियर भी मानो फिर से जीवित होने लगे। तभी पृथ्वी की टाइटैनिक प्लेटों में फिर से हलचल हुई और धरती के दो बड़े बड़े टुकड़े हुए, और इस कारण भारत महाद्वीप एशिया महाद्वीप से जा जुड़ा, जिस वजह से एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं। इसी पर्वत श्रृंखला से ही दुनिया की बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण हुआ। इन नदियों द्वारा आने वाला पानी लगभग आधी दुनिया के पीने के काम आता है। इस समय पर मनुष्य अपनी आज की दशा से काफ़ी पीछे था, लेकिन मैमल से आगे बढ़ अब ये प्रजाति काफ़ी आगे का रूप ले चुकी थी। आज से लगभग 40,00,000 साल पहले हमारे पूर्वजों में से एप्स नामक प्रजाति अफ्रीका के पूर्वी जंगलों में रहते थे। ये एप्स जंगल में पेड़ों पर रहते थे और फल खाकर गुजारा करते थे। फिर से पृथ्वी में होने वाली हलचल की वजह से ये एप्स पेड़ों से धरती पर आने पर मजबूर हो गए। पृथ्वी की टाइटैनिक प्लेट्स में फिर से हलचल होने के कारण पूर्व अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ जिसे ईस्ट अफ्रीकन वेस्ट वैली कहा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला के कारण इन जंगलों में मानसून आने बंद हो गई, जिस कारण धीरे धीरे ये जंगल खत्म होने लगे और अब ये ऐप्स को रहने और खाने की समस्या के कारण पेड़ों से उतरकर धरती पर खाना और रहने का स्थान ढूंढने लगे। इस तरह से ये ऐप्स शुरू में 4 पैरों पर ही चलते थे, लेकिन धीरे धीरे विकसित होते हुए इन्होंने 2 पैरों पर चलना आरंभ कर दिया। समय बीतने के साथ साथ इनके दिमाग का भी विकास हो रहा था और धीरे धीरे ये समझदार भी होने लगे थे, लेकिन ये प्रक्रिया कई सदियों में हो रही थी। इसी तरह धीरे धीरे इन्होंने पत्थर से हथियार बनाने शुरू किए जिससे ये शिकार करने लगे और कच्चा मांस खाने लगे। धीरे धीरे इन्होंने आग की खोज की और खाना पकाकर खाना शुरू किया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी खोज थी। आग की खोज की वजह से उनके जीवन में काफ़ी तब्दीली आई, क्योंकि आग की वजह से इन्हें सर्दियों में राहत और रोशनी मिलने लगी। ऐसे ही अब इनके दिमाग के विकास की रफ्तार पहले से बढ़ने लगी। इसी तरह से हम मानवों का होमो इरेक्टस प्रजाति विकसित हुई। इस प्रजाति ने पहली बार अपनी सुरक्षा के लिए घास फूस की छत और समूह बनाकर रहना शुरू किया। अब धीरे धीरे दूसरे समूहों तक पहुंचने के लिए आवाजाही के साधनों की खोज पहिए की खोज के साथ शुरू हुई। पहिए की खोज भी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। अब धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने एक दूसरे की बात और भावनाएं समझने के लिए भाषा का प्रयोग शुरू किया। भाषा का निर्माण मनुष्य की उत्पत्ति का आखिरी पड़ाव था, जिससे 2,00,000 साल पहले विकसित होकर हम मानव आज की जगह पहुंचे हैं, और तब से लेकर अब तक इस पृथ्वी पर हम मानवों का ही साम्राज्य है। और ये थी डायनासोर के अंत से लेकर हम मानवों की उत्पत्ति और विकास की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।